हाय एवरीवन, आप लोग कैसे? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, पटना मेट्रो का रामकृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन है और अब तक कितना काम हुआ है रामकृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन पर सब चीज जानेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो भी ऐसे लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो फ्रेंड्स, पटना मेट्रो का NH30 बाईपास है जिस पर कि रामकृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन का निर्माण का काम चल रहा है। मैं बता दूं कि ऑलमोस्ट जो है पिलर का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं रिग मशीन भी रखा हुआ है जो कि पिलर का काम का अभी जो है कुछ बैलेंस पिलर जो बचा हुआ है उसका काम किया जा रहा है। और मैं बता दूं कि रामकृष्णा नगर NH35 बाईपास पर जो है स्थित है और ये बाईपास पर एलिवेटेड मेट्रो स्टेशन है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि NH30 है और इसी के जस्ट बगल में जो है रामकृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन और उसी के पीछे जो है मीठापुर ओल्ड बस स्टैंड जो कि पहले पटना का बस स्टैंड हुआ करता था, तो वो बस स्टैंड जो अभी रिलोकेटेड कर दिया गया है ISBT बैरिया में। तो देख सकते हैं पटना का ये जो है, आपको मैं बता दूं कि रामकृष्णा नगर, इसके बाद जो है जगनपुरा और जगनपुरा के बाद खेमनी चौक इंटरचेंज स्टेशन है। उसके बाद मैं बता दूं कि भूतनाथ मेट्रो स्टेशन और उसके बाद मैं बता दूं कि 0 माइल, उसके बाद ISBT मेट्रो स्टेशन है जो कि बहुत जल्द जो है 5 स्टेशन चालू होने वाला है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं पिलर का काम जो है ऑलमोस्ट जो है पिलर और पियर कैप का काम जो है कंप्लीट हो चुका है। अब यू गडर का काम जो है बाकी है। यू गडर बहुत जल्द ही जो है आपको इस पर लॉन्चिंग किया जाएगा क्योंकि अब यू गडर का ही काम बचा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि पिलर और पियर कैप दोनों का काम जो है ऑलमोस्ट हो चुका है। और बता दूं कि अभी जो है यू गडर इरेक्शन करने के लिए आपको रोड को जो है अभी ठीक ठाक किया जा रहा है ताकि क्रेन को स्थापित करने में दिक्कत ना आए। तो फ्रेंड्स, ये पटना मेट्रो का 0 माइल से लेकर आपको रामकृष्णा नगर का ये एरिया है। और मैं बता दूं कि रामकृष्णा नगर मेट्रो स्टेशन ही बहुत ही जल्द जो है आपको स्टेशन का भी निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि प्लेटफॉर्म का निर्माण का काम शुरू कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी कैसा लगा, ये अपडेट कैसा लगा और कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से सुझाव दे सकते हैं। जय हिंद।